हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आज के प्रीव्यू में आज हम बात करेंगे आर सी बी वर्सेज के के आर के गेम के बारे में एक जो राइवलरी बनी रहती है इन दो टीम्स के ऊपर एंड होगा एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच एंड ये गेम खेला जाएगा एट द चिन्न स्वामी स्टेडियम जहां आपको एक ही चीज़ दिखती है रनस रन एंड लॉट्स ऑफ रन बैटिंग कंडीशन वेरी वेरी फ्रेंडली फॉर द बैटर्स तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कैसे कंडीशन होंगे यहाँ पर सिनहरी हो सकता है कि बैटिंग बहुत ख़राब हो बट यस yes, उसके अलावा पिच हैज़ बिन ट्रू फॉर बैटिंग यहाँ पर तो एज फार डायमेंशन कंसर्न आपको पता है काफ़ी छोटा ग्राउंड है सबसे ज़्यादा सिक्सेस भी यहाँ लगे हैं हंड्रेड प्लस सिक्सेस इस टूर्नामेंट में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में लग चुके हैं यहाँ पे हंड्रेड प्लस सिक्सेस एंड उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है सिर्फ सिक्सटी फाइव तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रन यहाँ पर पड़े हैं अब तक बॉलर्स को एंड वही बेसिस पे हम बनाएंगे आज की हमारी टीम ये है पिच के डायमें पिच का व्यू अगर आपको अपने रेफरेंस के लिए चाहिए बट पिच वेटी मच फ्लैट फॉर बैटिंग है लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा एंड नाउ लेट्स गेट टू द टीम तो ये मैच हम खेलेंगे वापस फैन टू तो प्ले ऐप पर 200 परसेंट बोनस आपको मिल जाएगा अपनी पहली डिपॉजिट पर ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में सो डोंट मिस आउट टू प्ले एंड अब बनाते हैं हम हमारी आज की टीम स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना हमारी टीम एंड स्ट्रेट वी विल गो फ्रॉम द कीपिंग सेक्शन यहाँ पे सबसे ऑब्वियस चॉइस विल बी जगदीशन अगर लिटन दास खेलते हैं इफ़ ही प्लेज विल बी अ गुड चॉइस दिनेश कार्तिक इज बैटिंग वेरी लो एंड अब तक इनका कुछ फॉर्म भी नहीं दिखा है फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ इन द बैटिंग सेक्शन फैफ डुप्लेसी एंड विराट कोहली हम होंगे आपके बेस्ट दो तो चॉइसेस दोनों अच्छे फॉर्म में हैं एंड एक आध लो स्कोर के अलावा दोनों कंसिस्टेंट रहें स्पेशली फैफ एंड विराट का लास्ट गेम थोड़ा खराब था बट उसके अलावा तो बहुत अच्छा खेले हैं अब तक जेसन रॉय दो गेम्स खेले हैं दोनों गेम्स में ही हैड वेरी गुड इम्पैक्ट एंड जी एल गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस स्पेशली इस ग्राउंड पर इसके अलावा दूसरी चॉइसेस जो है आपके पास राना रिंकू अयर दोनों रातर तीनों दो तीन अच्छे नौ खेल कर आए हैं बट इन तीनों की एक ही प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज मिसिंग फ्रॉम द बैटिंग फॉर ऑल ऑफ दैम अगर आपको याद है आई आर हैड अ बिग नॉक इन द गेम बिफोर द लास्ट वन फिर वापस फेल हो गए राना दो गेम पहले एक अच्छा नॉक खेले फिर दो बार वापस फेल हो गए वैल रिंको के छोटे मोटे नॉक्स डाउन दर्डर चलते आ रहे हैं इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस प्लेयर का बट क्योंकि लो आ रहा है तो फैटसी वैल्यू विल ऑलवेज बी ए प्रॉब्लम एंडहेंस अभी के लिए आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ देम विल गो स्ट्रेट टू दी ऑल सेक्शन यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ऑनड्रेड रसल वन इंदो हसरंगा ऑल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स मैक्सवेल इज इन टॉप फॉर्म एंड ये गेम खेलेंगे के के आर के सामने वेदर आर लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं तो इनकी ऑफ स्पिन भी यहाँ पर काम में आ सकती है इवन दो इस ग्राउंड पर स्पिन वैसे ज़्यादा चलता नहीं है एंड यहाँ पर आपकी लास्ट पिक हो जाएगी सुनील नारायण एक जो जी अच्छी पिक होगी इस मैच में दैट विल बी डेविड वीजा क्योंकि दीज आर गुड बैटिंग कंडीशन एंड यहाँ पे स्पिन को मदद नहीं मिलती तो पेस बहुत ओवर करते हैं यहाँ पे पेसर्स बोल मोर ओवर सो एफ प्लेस आप उनको कंसिडर कर सकते हो स्पेशली क्योंकि नारायण की फॉर्म खराब चल रही है बट नारायण ऑल्सो हैज सम वेरी पॉजिटिव लेट्स लुक एट दम तो यहाँ आप देख सकते हो नारायण काफ़ी बार डिसमिस कर चुके हैं फैफ कोहली मैक्सवेल तीनों को आई थिंक दो से तीन डिसमिसल है हर बैटर के एंड स्ट्राइक रेट भी सौ या सौ के नीचे चल रहा है स्ट्राइक रेट इज़ बिन हंड्रेड और बिलो बट ये ग्राउंड क्योंकि बैटिंग कंडीशंस के लिए नॉन है मे बी नारायण को वापस उतनी मदद ना मिले प्लस फॉर्म भी जो है वो नारायण के साथ नहीं है ही इज़ बैडली आउट ऑफ फॉर्म लास्ट जो सात मैच है उसमें सिर्फ दो बार मेरे हिसाब से वो ड्रीम टीम में आए लास्ट गेम में तो ही हेड गिवन नेगेटिव पॉइंट्स फैंटसी वैल्यू सो ये बात प्लीज़ कीप इन माइंड बिकॉज कंडीशन एंड फॉर्म बोथ आर अगेंस्ट नारायण बट मैचअप आर विद हिम सो आप जी एल में इनको ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन बट उसके अलावा लाइक आई सेट नो कंडीशन फॉर हिम एंड ना फॉर्म उनके साथ चल रही है अदर मैचअप इज़ हर्षल पटेल हु बोल्ड वेरी वेल इन द लास्ट गेम वापस राना को इन्होंने कंट्रोल में रखा है आई थिंक उनके सामने स्ट्राइक रेट अबाउट हंड्रेड एंड टेन है वर्ल्ड रसिल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं इनके सामने बट वापस दो बार आउट हो चुके हैं ट्वाइस बाय हर्षल सो आर सम टू कीप इन माइंड एंड नाउ लेट्स मेक गेट बैक टू मेकिंग टीम तो वो हो गई हमारी ऑलराउंडर सेक्शन अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ इन द बॉलिंग सेक्शन मोहम्मद सिराज जो फॉर्म में चल रहे हैं वेरी डिफिकल्ट टू लीव हिज एन एक्सिलेंट पिक हर्षल पटेल इफ़ इज़ बोलिंग फर्स्ट आप वापस इनको जरूर पिक कर सकते हो एंड मेरी टीम में भी ये जरूर होंगे वरुण चक्रवर्ती लास्ट मिनट बेस्ड ऑन टॉस एंड पिच कंडीशन यू हैव टू डिसाइड जहाँ आपको पिक करना है कि नहीं उन्हें अभी के लिए आई एम लीविंग एम आउट बिकॉज पिच टॉस कंडीशन पिच एंड कंडीशन आर जनरली नॉट गेवर ऑफ स्पिनर्स ऑन दिस ग्राउंड एंड एक लास्ट पिक है यहाँ से वन पिक फॉर यू टू रियली कंसिडर इन दिस गेम विल बी जॉस हेजलवुड विराट कोहली सेट इन द लास्ट गेम उन्होंने कहा था कि इनकी वापसी के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं इज गुड चांसेस दैट जॉस हेजलवुड विल प्ले दिस मैच एंड अगर खेल रहे हैं तो आप ज़रूर इनको पिक कर सकते हो एज या थर्ड बॉलर स्पेशली क्योंकि कोलकाता हम जानते हैं अपने स्पिनर्स पर ओवर रिलायंट है एंड इस ग्राउंड पर स्पिन को उतनी मदद है नहीं वाले इनके पेसेस करेंटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उमेश यादव एक्स आर सी बी प्लेयर मे बी ही नोज अ थिंग और टू अबाउट कंडीशन इनको आप जी एल में ट्राई कर सकते हो एंड शार्दुल ठाकुर इफ ईज प्लेइंग आप जरूर पिक कर लेना क्योंकि ही विल ऑल्सो गिव यू वैल्यू विद द बैट सो दैट इज द बेस्ट टीम फॉर दिस गेम ओवर टू कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आई थिंक वेरी ऑब्वियस कैप्टनसी चॉइस ग्लैन मैक्सुअल मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं ही इज़ बिन इन गुड फॉर्म एंड ऑफ स्पिन के साथ वैल्यू भी दे सकते हैं वाइस कैप्टन विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द पिच कंडीशन टॉस ऑल ऑफ दैट आई थिंक फैफ विराट जेसन ऑल आर वेरी गुड चॉइस फॉर यू टू ट्राई वाइस कैप्टन कारेंटली मैं वाइस कैप्टनसी का स्लॉट खुला छोड़ रहा हूँ विल डिसाइड पोस्ट द टॉस कि हमें किससे बनाना है आप जरूर लाइक बटन हिट करिएगा एंड नाउ लेट्स गेट टू दिक्स एक्सचेंजू पिक्स के पहले जरूर याद रखना डैरियो पर फ्री ट्रायल कॉन्टेस्ट करेंटली लाइव है एट लाख फोर्टी थाउजेंड के प्राइजेज इन एवरी मैच एंड आपको क्या करना है सिंपली जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से साइन अप करिए आपको सिक्सटीन हंड्रेड अप बोनस भी मिल जाएगा एंड यू कैन यूज़ दिस टू ये तो कॉन्टेस्ट फ्री है बट आप पैक्स में उसको यूज कर सकते हो बट यहाँ आप देख सकते हो लोएस्ट प्राइज इन द कॉन्टेस्ट इज़ इन द फ्री कॉन्टेस्ट इज रुपीज़ टू एट्टी सो टू एट्टी इज़ थ्री पॉइंट फाइव डॉलर एक बार आप ये जीत गए सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करना है आप ये प्राइस मिनिमम जीत जाओगे एंड उसके बाद कहाँ से आप वो पैक खरीद सकते हो 3.5 डॉलर्स में जो आप वहाँ से जीतोगे बाकी के 3.5 डॉलर्स कट जाएंगे जो बोनस आपको मिलेगा 1600 का तो आपका पहला पैक इफेक्टिवली हो जाएगा पूरा का पूरा फ्री जैसे आप देख सकते हो ये आपको मिल रहा है 3.5 में क्योंकि आप साइन अप करोगे मेरे लिंक से बाकी थ्री कटेंगे कहाँ से जो ट्रायल कॉन्टेस्ट से आप विनिंग्स जीतोगे सो ये चांस मत मिस करना एंड अब चलते हैं एक्सचेंज ट्वेंटू पिक्स की तरफ सो ओवर टू द एक्सचेंज ट्वेंटू पिक्स बैगलोवर्स स्कोर कोलकाता मैच के लिए वील स्टार्ट विद द बाय एंड सेल सेक्शन एंड यहाँ पे वी लुक एट बैगलो पिक्स फर्स्ट सो यर यू हैव सम गुड चॉइस ग्लैन मैक्सवेल एट फोर्टी सिक्स इफ इज बैटिंग फर्स्ट एंड बोलिंग सेकेंड इज अ गुड वैल्यू चॉइस मोहम्मद सिराज अगर आपको लगता है दो विकेट लेंगे ही विल बी अ वेरी गुड चॉइस टू ट्राई हर्षल पटेल सेम इफ़ इज बोलिंग फर्स्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट टू मनी चॉइस वायशेक विजय कुमार कीप एंड माइंड एक विकेट के यू गेट ट्वेंटी पॉइंट्स तो अगर आपको लगता है कि ये एक विकेट निकाल कर देंगे फोर्टीन पर है जस्ट लाइक अर्जुन तेंडुलकर येस्टडे हमने उन्हें पिक किया था एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ही गेव अस प्रॉफिट ऑफ थर्टीन बिकॉज उन्होंने एक विकेट ले लिया एंड ही गेव यू गुड रिटर्न सेम फॉर कैम ग्रीन सेम फॉर डेविड मिलर तो स्मार्टली अपने पिक्स करिएगा वील लुकट दाइड ऑफ द पिक्स टू तो ये कोलकाता का सेक्शन एंड यहाँ पर एक अच्छी पिक हो सकते हैं उमेश यादव अगेन अगर आपको लग रहा है कि वो एक विकेट निकाल कर देंगे एक आध कैच ले लेंगे तो ही विल गिव यू योर कॉस्ट बैक विथ सम प्रॉफिट सो कीप इन माइंड दिस इज द लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई यहाँ पर पिक्स लेने से पहले रिंकू सिंह भी एट थर्टी इफ़ इज बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं सेम फॉर जगदीशन क्योंकि वो कीपिंग भी करेंगे प्लस ओपनिंग बैटिंग इज ऑल्सो लाइकली फॉर हिम सो दीज आर माई पिक्स फॉर दिस गेम यू टू गो मेक ऑल योर पिक्स राइट नाउ फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन